Hello students, now I am going to start to solve exercise 4.1 question number 8. ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, फ्रॉम 1 टू 7 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो द क्वेश्चन इज राइट द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1, दैट इज 4, 7, 10, 13 अप टू सो ऑन, एंड वेरीफाई दैट द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर एज 1. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. कोई भी नेचुरल नंबर जो 3n+1 का के फॉर्म का हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 8. इसका सोल्यूशन देखते हैं. फॉर्म ऑफ सेवन नेचुरल नंबर्स आर 3n+1. यहाँ पे n क्या है? n नेचुरल नंबर है. ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर चूंकि 7 नेचुरल नंबर हमको लेना है, यानी कि हम n की वैल्यू 1 to 7 पुट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. n की वैल्यू 1 to 7 कुछ भी हो सकती है. तो अगर इफ आई वांट टू फाइंड द फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3n+1. इफ आई चूज द वैल्यू ऑफ n इज 1, देन आई कैन राइट 3 into 1+1, दैट इज 3+1 क्या गया? 4. द फर्स्ट नंबर इज 4. सेकेंड नंबर इज, अब यहां पर क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे. ठीक है, तो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2, देन वी गेट 3 × 6+1, दैट इज 7. फर्स्ट नंबर 4, द सेकेंड नंबर इज 7, द थर्ड नंबर इज इक्वल टू 3 × 3+1, यानी हो गया आपका 10. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4, 7, 10. फोर्थ नंबर इज इक्वल टू 3 × 4+1, दैट इज 3, 4, 12+1, 13. ओके, हमने यहाँ पे 4 नंबर लिख लिया. हमको कितने नंबर चाहिए? 7. तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्या होगा आपका? 3 × 5+1, दैट इज 16. ओके, सिक्स्थ नंबर इज इक्वल टू 3 × 6+1, दैट इज 19. ओके, एंड सेवेंथ नंबर इज इक्वल टू 3 × 7+1, दैट इज 22. ओके, तो हमारे पास नंबर क्या है? 4, 7, 10. ये सारे नंबर हम यहां लिख लेते हैं. 4, 7, 10, 13, 16, 19 and 22. ये सारे नंबर है. ओके, अच्छा, अब ये सारे नंबर हमको मिल गए. अब हमको क्या करना है? इन सारे नंबर्स का क्यूब चाहिए हमको. आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नंबर आप फाइंड आउट करके आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास नंबर अगर ये मिल गया हो, ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देखिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द 7 नेचुरल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म. तो हमने सारे नंबर फाइंड आउट कर लिए. द 7 नेचुरल नंबर्स आर द 7 नेचुरल नंबर्स आर 4, 7, 10, 13, 16, 19 and 22. ओके, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप अलग से
नंबर फाइंड आउट करके सीधे आप यहां पुट करिए और यहां से सॉल्व करना शुरू करिए। ओके, राइट द क्यूब्स ऑफ सेवन नेचुरल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म, ये सारे नंबर हमको मिल गए, एंड वेरीफाई दैट द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 1। अब यहां पे करना क्या है कि जो नंबर आपने फाइंड आउट किया है इन सारे नंबर का आप क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे, और क्यूब निकाल करके आपको ये वेरीफाई करना है कि जब इन नंबर्स के क्यूब को 3 से डिवाइड करते हैं उस कंडीशन में हमेशा 1 एज रिमाइंडर मिलता है। ओके, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं, क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर, दैट इज 4:4:4, द क्यूब ऑफ 4 दैट इज 64। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग 64 बाय 3, 64 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 2 6, 3 1 3 1, मीन्स 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 21 + 1, 3 × 21 + 1, ठीक है, डिविजन इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि व्हेन द क्यूब ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 1, जो क्वेश्चन में आपको करने के लिए बोल रहा है कि जब जो 3n+1 वाले फॉर्म का नंबर्स है उन नंबर के क्यूब को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे। तो आप फर्स्ट नंबर में चेक कर सकते हैं कि अगर हम 4 का क्यूब लेते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में 1 एज रिमाइंडर को मिलता है। तो फर्स्ट नंबर के लिए जो कंडीशन वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, नाउ प्रोसीड फॉर द सेकेंड नंबर, एंड द सेकेंड नंबर इज 7। ठीक है, अब 7 का क्यूब हम लिखते हैं, 7 × 7 × 7, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, 7 का क्यूब 343, दैट इज 343। अब हम क्या करेंगे, 343 को अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, नाउ डिवाइडिंग 343 बाय 3 वी हैव 3 × 1 = 3, रिमाइंडर इज 0, 4 × 3 = 3 = 1, 13 × 3 = 12 = 1, ठीक है। अब इस नंबर को आप कैसे डिनोट करेंगे, 3 × 140 + रिमाइंडर, ठीक है, डिविजन इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ व्हेन वी फाइंड द क्यूब ऑफ 7 एंड डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 1 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा 3n+1 फॉर्म का नंबर था जब उसका हमने क्यूब किया उस वहां उस कंडीशन में भी क्या है, 1 एज रिमाइंडर उसको मिला है। ठीक है, तो बाकी नंबर्स के लिए भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आगे हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो एज सो ऑन, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, आप वर्ड में लिख देंगे, इन द सेम वे व्हेन क्यूब्स ऑफ द गिवेन नंबर्स, ठीक है, ये आप कैसे लिख सकते हैं, इन द सेम वे we can verify that when the cubes of remaining numbers, ठीक है, when
divided by 3 when divided by 3, ठीक है, left 3 as remainder, left 3 as remainder, ओके। तो यहां पर हमने क्या किया, जो नंबर हमारे पास थे उसमें से हमने दो नंबर को, ठीक है, हमने दिखाया कि वो नंबर क्या होंगे जब 3 से डिवाइड होंगे, यानी उस नंबर के क्यूब को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, इन दैट केस वी गेट रिमाइंडर एज 1, ओके। तो यहां पे बाकी नंबर्स के लिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं व्हाट वी इन द सेम वे वी कैन वेरीफाई दैट व्हेन द क्यूब्स ऑफ द रिमेनिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लेफ्ट 3 एज रिमाइंडर, ओके। तो हमने दो नंबर के लिए दिखाया, बाकी नंबर के लिए हमने एज इज लिख दिया, क्योंकि अगर सारे नंबर्स के लिए आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कंडीशन या ये सिचुएशन हर क्वेश्चन के लिए वेरीफाई होगा, बट क्योंकि सॉल्यूशन काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे के नंबर्स के लिए नहीं लिखेंगे, बट एज इट इज लिख करके उसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज राइट द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, राइट द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 3 एंड प्लस 2, ओके, एंड वेरीफाई दैट द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3 एंड प्लस 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर एज एस 2, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो 3 एन प्लस 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, और वो सारे नंबर क्या हैं, अंडर ब्रैकेट हैं, दैट इज 5, 8, 11, 14 अप टू 1। तो यहाँ पे भी हम एक दो नंबर लेकर के शो करेंगे, बाकी चीजें हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे द गिवन नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2 आर, द नंबर्स आर 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। यहाँ फोर नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। आप बाकी नंबर्स को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फोर नंबर्स के लिए दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर के लिए आप क्या करेंगे, यानी अगर फाइव पुट अप करेंगे तो फिफ्थ नंबर आपको मिल जाएगा, इसी तरह से सिक्स जब पुट करेंगे तो आपको सिक्स नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही सेवन रखेंगे आपको सेवन्थ नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सारे नंबर की जरूरत नहीं है, बस हम एक या दो नंबर्स के लिए दिखाएंगे, बाकी को एज इट इज लिख देंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्यूब ऑफ 5, दैट इज 5 क्यूब, एंड 5 क्यूब इज 125, इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंडीशन में जब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं 2 एज रिमाइंडर हमको मिलता है या नहीं। क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए, 125 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 12, 0, 5, 3, 1, 3 gives 2, 2 as remainder। तो यहाँ पे 125 को कैसे हम डिनोट करेंगे, 125 is equal to 3 into 41 plus 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि when the cube of 5 डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर एज 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर के लिए जो कंडीशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो वेरीफाई हो रहा है, ओके। नाउ मूव ऑन द सेकेंड नंबर, लेट अस फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 8, ठीक है, दैट इज क्यूब ऑफ 8, दैट इज 8 is to 8 is to 8, एंड क्यूब ऑफ 8 इज क्या होता है 512, ठीक है।
तो 8 का क्यूब क्या होगा 512। नाउ डिवाइडिंग 512 बाय 3, 512 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 वन जा 3, 2, 3 सेवन जा 21, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 170 इंटू 3 प्लस 2, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 8 क्यूब हमने लिखा और उसको 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर क्या मिला, 2, ओके। इन द सेम वे वी कैन राइट द क्यूब ऑफ 11, दैट इज 11 इज टू 11 इज टू 11 एंड 11 क्यूब इज 1331, ओके। नाउ डिवाइडिंग 1331 बाय 3, 3 4 जा 12, 1 एज रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 1 एज रिमाइंडर एंड 3 3 जा 9, दैट इज रिमाइंडर इज 2, ओके। सो 1331 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 4 3 प्लस प्लस 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब थर्ड नंबर का हमने क्यूब लिखा और उसको हमने 3 से डिवाइड किया उस कंडीशन में 2 एज रिमाइंडर मिल रहा है आपको, ओके। नेक्स्ट नंबर के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, एज इज हम लिख देंगे, यहाँ पे 1 में लिखेंगे। इन द सेम वे, इन द सेम वे, ठीक है, वी कैन वेरीफाई दैट the cubes of remaining numbers when divided by 3 leaves remainder as 2, leaves remainder as 2, ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ मूव ऑन द 10th क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द 10th क्वेश्चन, ओके। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब्स। तो आप प्रीवियस चैप्टर में परफेक्ट स्क्वायर के लिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो वही प्रोसीजर हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। वहां पे हम दो नंबर लेते थे, दो दो नंबर में यानी एक एक पेयर लेते थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ट्रिपलेट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके ट्रिपलेट बनाएंगे। जिस नंबर का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए एंड द गिवन नंबर इज 5324, ओके। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यहां देख सकते हैं यूनिट डिजिट इज 4, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां से 2 से डिवाइड हम करते हैं, 2 टू द 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड अगेन 2 टू द 4, अगेन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, ओके। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड अगेन 11 1 जा 11। नाउ डिवाइडेड 11 गिव्स 11 टाइम्स एंड 11 डिवाइडेड 11 अप टू 1,
So the factors are 5, 3, 2, 4 is 2 into 2 into 11, 11 to 11. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में 8 ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ओके? बट यहाँ पे 2 का कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी 2 टाइम्स 2 आया हुआ है और हमको एक ट्रिपलेट चाहिए, यानी कि अगर इस गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 11 का भी ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा और 2 का भी ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा, ओके? तो इस तरह से क्या होगा, एक नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ओके? नाउ वी सी दैट नो ट्रिपलेट ऑफ नंबर 2 इज फॉर्म, ठीक है, 2 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, सो वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 2 to make it perfect cube, okay? तो ये है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 के रेस्ट पार्ट को भी कर सकते हैं. Now move on 11th question and the question is find the volume of a cubical box whose edges is 11 centimeter. ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके एजेस दिए हुए हैं 13 सेंटीमीटर. उस क्यूबिकल बॉक्स का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 11. सॉल्यूशन इज एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है? और इस क्यूबिकल बॉक्स का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो आप जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एजेस का क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एजेस, या जो इसका एज होगा उसका हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे. मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है, 13 का क्यूब करना है. और आप जानते हैं कि 13 का क्यूब क्या होता है, 2197, ठीक है? और ये सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, ओके? क्यूबिक सेंटीमीटर भी हम इसको पढ़ते हैं. तो एजेज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 13 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज एजेस क्यूब एंड द गिवन एजेज इज 13, तो 13 क्यूब इज 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ओके? अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू 17 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके? थैंक यू.